और ये वो जगह है जहाँ गुरु नानक देव जी के फूल और कपड़े यहाँ दबाए गए थे। तो ये है वो जगह। कहीं भी आप बाहर जाते हैं ना, आपको ठगने वाले बहुत लोग होते हैं। सो आपने क्या क्या चीज करनी है यहाँ पर? तो जी एक बार फिर से वेलकम बैक टू माय चैनल। अरे ये क्या, आपने पीछे वाले एपिसोड्स मिस कर दिए? अगर मिस कर दिए तो कोई चक्कर नहीं है, मैं ऊपर आई बटन में अपनी पाकिस्तान सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट डाल दूंगा, आप जाके प्रॉपर शुरू से देख सकते हो, सच में बहुत मजा आएगा। तो चलो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं अपने करतारपुर साहिब की जर्नी। सो लेट्स गो। तो अपने साथ मोहम्मद अब्दुल्ला भाई है। भाईजान कहाँ से आप? करतारपुर से ही है। ठीक है, तो कितने सालों से आप यहाँ पर हैं? मतलब ये जब से खुला हुआ है? ओके ओके, चार साल हो गए आपको यहाँ पर। ठीक, और पहली बार अब हम रावी नदी पार करेंगे। ये यहाँ रावी नदी जो पाकिस्तान से होकर जाती है। तो ये सामने आ चुका है वेलकम टू गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब करतारपुर। और वो सामने अगर आप जूम करके दिखाऊं, ये सामने गुरुद्वारा दिखना शुरू हो गया है। करते करते एंट्री करते करते टाइम लग जाता है, हाँ आधा घंटा लग जाता है। ठीक है, हमारे तक आते साढ़े आठ हो जाते हैं वहीं पे। ठीक है, यहाँ तकरीबन हम 9 बजे के करीब यहाँ पे आ जाते हैं। So finally we reached तो यहाँ से इसके अंदर यहाँ एंट्री होगी। ठीक है, ठीक है भैया, बहुत अच्छा लगा मुझे। ओके, सो अब यहाँ पर हमें इमिग्रेशन जो है फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे। और ये सामने हमारा आ गया गुरुद्वारा साहिब। चले सर पे हमने रुमाल बांध दिया क्योंकि अब हम गुरुद्वारा साहिब एंटर करने वाले हैं। ये सामने एंट्री श्री गुरुद्वारा साहिब की। इतनी ठंडी हवा बह रही है ना, मज़ा आ रहा है। और अभी तक ना एक तो माहौल बड़ा अच्छा है क्योंकि वो अरदास लगी हुई है। और इस टाइम पे अगर बात करूँ धूप तो पूरी है, लेकिन फर्श ऐसा बहुत ज़्यादा तपने वाला नहीं है फिलहाल, तो आराम से चला जा रहा है। बस यही टेंशन थी अपने को यार कि धूप होगी चलना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर, बट ऐसा नहीं है, मज़ेदार है। हल्की यहाँ गीले मैट बिछा रखे हैं सारी जगह पर ताकि गर्मी ना लगे और सीधा आप गुरुद्वारे तक पहुँच सकें। अब यहाँ से भी जा सकते हैं लेकिन अपन सीधे जाएंगे। सो सबसे पहले जाके गुरुद्वारे के अंदर मत्था टेकते हैं। सो यहाँ पर एक मजे की बात पता क्या है कि चाहे इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो, सभी लोग आके इस जगह पे इकट्ठा मत्था टेकते हैं। यहाँ पर कोई कंट्री आपस में कंट्रीज वाला भेदभाव नहीं है और बस अमेजिंग प्लेस है, यहाँ पर सब आके एक हो जाते हैं।
ये मैंने ड्रोन वाला शॉट ट्राई किया था गुरुद्वारे के चारों तरफ चक्कर लगा के, भाई पैर जल गए अब तो। तो यार इस शॉट के लिए कितनी मेहनत करे, तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। बट मजा आया। और ये वो जगह है जहाँ गुरु नानक देव जी के फूल और कपड़े यहाँ दबाए गए थे। अभी फिलहाल बाहर आ गए हैं, अभी मेरी शेड्स अंदर रह गई थी, दोबारा अंदर से जाके शेड्स लेके आया हूँ। सो यहाँ पर आगे बगीचा है जहाँ गुरु नानक देव जी खेती किया करते थे, और यहाँ पर ये कृपाण का निशान है, और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ इमरान खान जी ने जो है इनॉग्रेशन 2019 में की थी। बहुत ही अमेजिंग जगह यार, सच में इतना पीसफुल एनवायरनमेंट है ना, मजेदार, बहुत ही अल्टीमेट। मतलब यहाँ तो आप 10 घंटे ही बैठ जाओ यार, वो भी कम है। और बस अभी यहाँ फोटोग्राफी वगैरह हमने करवा ली है, अब लंगर के लिए जाएंगे और उसका थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे, और उसके बाद निकलेंगे वापस मोहाली के लिए। और ये यहाँ पर बीचों बीच ना ये फ्री जल सेवा वाला लगा हुआ है, और सारी मशीनरी जो बॉटल की पैकिंग और जो प्योरीफिकेशन का काम करती है, बड़े बड़े देखो टैंक लगे हुए हैं यहाँ पर, तो सारी प्योरीफिकेशन और बॉटल की पैकेज जो है, ये बॉटल्स यहाँ नीचे पड़ी हुई हैं, इसमें पैकिंग वगैरह सारी पानी की यहीं होती है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी बजूड़ी ये कि या तो सब कुछ लिखा था पंजाबी में या लिखा था उर्दू में, तो जी पंजाबी हमने गवाती नहीं है और उर्दू से अपना कोई वास्ता नहीं है। तो एनी हाउ किसी तरह पूछते पूछाते धक्के खाते हुए हम लंगर हॉल तक पहुंच ही गए, और ये अपन पहुंच गए लंगर हॉल। रात की पार्टी का भाई भूख लगी, सुबह कुछ नहीं खाया था, तो यही प्लान था कि भाई सीधा लंगर चखेंगे। और ये यहाँ की किचन है, और यहाँ पर जो है रोजाना कई हजारों लोगों के लिए लंगर बनाया जाता है। और ये हमारे साथ बुढ़ा राम जी है, और ये डेली कितने लोगों का यहाँ खाना बनता है? 1500 बंदे का खाना। ओके, 1500 लोगों का खाना इकट्ठे बनता है, और दिन में कितनी बार बनता है? 24 घंटे लंगर चालू होता है। 24 घंटे भाई, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बड़ी चीज है। अब नहीं रुका जाता, अब लंगर खाएंगे। डाल डाल। और सभी लोग यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, चाहे किसी भी रिलीजन के हो, सभी इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हैं। और ये आज यहाँ पर खाना बना हुआ है, दाल है, राइस है, आलू न्यूट्री की सब्जी है, मीठे चावल हैं, गुलगुले हैं और चपाती। भाई लेकिन टेस्ट एक नंबर, वाकई में एक नंबर। और भाई मीठे चावल तो बहुत बढ़िया है, अब इसमें लेकिन बस ग्रीन कलर ज़्यादा डाला हुआ है। अब क्यों डाला है आपको पता है। और खाना खाने के साथ साथ यहाँ पर सफाई हो रही है, इलेक्ट्रिक कार ही रखी हुई है जो फटाफट सफाई कर देती है। अब मार्केट जा रहे हैं, तो यहाँ पर भाई क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर जूड़े रखे हुए हैं, आप चप्पल डाल के जा सकते हैं, लेकिन भाई चप्पल नहीं मिलती। मैचिंग ये चलेगी, बस हो ही गया, फंस ही गई, बस ठीक है। सवारी अपनी चप्पलों की खुद जिम्मेवार है, अपना साइज के हिसाब से अपनी चप्पल ढूंढ लो, और अगर फंक भी मार रहे हैं अलग अलग भी डाल लो, कोई चक्कर नहीं है। अयश आपकी साइज की मिल गई। तो अब जाएंगे यहाँ की पाकिस्तान की मार्केट, पहली बार शॉपिंग कर रहे हैं छोटी मोटी सही, क्योंकि एक सुविनियर तो जरूरी है, और वो स्पेशली पाकिस्तान हो फिर तो लेके जाना बनता है बॉस कुछ ना कुछ। सो यहाँ पर आने से पहले हमने महात्मा गांधी जी के बदले ये मोहम्मद अली जिन्ना जी की फोटो हमने ले ली थी, एक्सचेंज करवा ली थी। अब ये कैसे करवानी है, कहाँ करवानी है और कहाँ नहीं करवानी, ये मैं आपको डेडिकेटेड एक वीडियो बनाऊंगा, जरूर देखना, मिस मत करना ये सीरीज खत्म होने के बाद, क्योंकि
बहुत पैसा आपका बचेगा सच में, क्योंकि यार कहीं भी आप बाहर जाते हैं ना, आपको ठगने वाले बहुत लोग होते हैं। सो आपने क्या क्या चीज़ करनी है यहाँ पर, मैं आपको सारी उस वीडियो में बताऊंगा, तो ज़रूर देखना। तो ये यहाँ की छोटी सी मार्केट है, जाने से पहले आप यहाँ सुवीनर वगैरह खरीद सकते हो, काफ़ी हैंडीक्राफ्ट का सामान है, खाने पीने का सामान है, काफ़ी कुछ है। बाकी जाके एक्सप्लोर करते हैं कि है क्या क्या चीज़ें। तो सबसे पहले हमने फ्रिज मैग्नेट लेना है एज ए सुवीनियर, तो यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं कौन सी लें, कौन सा लेना है। सो यहाँ पर ये चलते हैं, तो ये अपने को चेंज वापस मिल गया। थोड़ा खाने पीने का भी सामान ले लें। हाँ जी भाईजान, क्या यहाँ पर फेमस सबसे क्या चीज़ है? सबसे फेमस ये कराची हलवा, ठीक है, और ये मुल्तानी सोनल हलवा, ये आपको सारे टेस्ट करवा, ठीक है, ये तो यहाँ का फेमस सबसे करा। आप कहाँ से भाईजान? मुल्तान से। मुल्तान से, यहाँ का हलवा वहीं से है, हमारी रेलवे स्टेशन पर। आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है? नहीं नहीं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, हम फ्रेंचाइज है। अच्छा, ठीक है ठीक है। अगर वैसे कोई करेंसी का लोचा है तो यहाँ पर एक्सचेंज एटीएम भी है, तो यहाँ पर आप करेंसी एक्सचेंज करा सकते हो। बेशक डॉलर्स लो, बेशक डॉलर्स को पाकिस्तानी रुपए में लो चाहे इंडियन रुपए में लो, जैसे भी है यहाँ एक्सचेंज हो जाएगा, तो टेंशन की बात बिल्कुल भी नहीं है। बीवियों का फेवरेट टाइम शॉपिंग, वो भी सूट की बात हो फिर तो भाई साहब कोई रोक ही नहीं सकता इनको। ये असली पाकिस्तानी सूट है? अच्छा, ये कपड़ा सूती में आज तक 100 पे सूती है, कॉटन इज मिक्स पंद नहीं होता। अच्छा, तो जी ऐसा था अपना करतारपुर का टूर, बहुत प्यारी जगह है, अगर मौका मिले जरूर आओ मैं तो कहता हूँ। और लोग भी यहाँ पर यार काफी, मतलब वो वाली चीज़ नहीं है कि हम किसी दूसरे कंट्री में, या जैसे जो इंडिया पाकिस्तान के जैसे रिश्ते कहते हैं आपस में, वो वाली बात नहीं है। काफ़ी हेल्पफुल हैं सारे, बहुत हेल्प करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, और शॉपिंग के टाइम पे ऑब्वियसली हम इंडियन जैसे बार्गनिंग करते हैं, तो वो भी अलाउ करते हैं बार्गनिंग करना। अब बस वापसी के लिए चलते हैं, और क्योंकि हमने पहुँचना मोहाली है, और सोई प्यास लगी थी तो अपने ये पानी की बॉटल ली है भाई, मेड इन पाकिस्तान एक्वा मरीना पानी। और ये जगह है खेती साहिब, और यहाँ आगे जाकर वो जगह आती है जहाँ गुरु नानक देव जी ने खेती की थी 18 साल जब यहाँ रहे थे। पाकिस्तान के इमिग्रेशन ऑफिस में फिर से पहुंच रहे हैं हम, और यहां से हम फाइनली पाकिस्तान को गुड बाय कर देंगे, क्योंकि इसके बाद तो सीधा जो बस रुकेगी जाके इंडियन बॉर्डर पे रुकेगी। सो कुछ इस तरह का पास मिलता है यहां कॉरिडोर में जाने के लिए, जो $20 का होता है। और ये हम आ गए बाहर, और वो सामने अपना इंडिया, उसका वो आपको फ्लैग दिख रहा होगा। तो बस यहाँ से ये बस अपने को बॉर्डर पार कराएगी। सो वापसी में भी हमें यही भाईजान वापस लेके जाएंगे जो हमें लेके आए थे यहाँ पर, और इसी के साथ हम अपने पाकिस्तान ट्रिप को बाय बाय करेंगे, और यहाँ ये ख़त्म होता है। सो गुड बाय, और वो सामने आ गया बॉर्डर एरिया, और यहाँ से इंडिया शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान का लास्ट पोस्ट, ठीक है भाईजान, ओके बाय बाय। चलो जी हम आ गए वापस अपने देश, बहुत ही बढ़िया सफर रहा, बहुत ही अमेजिंग। बाकी यहाँ से बाहर निकल के इंडिया एंटर करके अपनी गाड़ी के पास पहुँच के फिर थोड़ी सी बातें करते हैं। तो ये आ गए हम अपने वतन वापस इंडिया में, वेलकम टू इंडिया, कहते हैं ना होम स्वीट होम, सो इट्स गुड टू बी बैक इन इंडिया। और फाइनली ये यहाँ की मेन एग्जिट है,
और इसके बाद अपन बाहर आ जाएंगे टोटली करतारपुर साहिब कॉरिडोर में। अब सोचो इतनी चिलचिलाती धूप में हम आए हैं और यहाँ पर गाड़ी भी सुबह से खड़ी हुई है, भाई क्या हाल होगा, गाड़ी बुझ जाएंगे बिल्कुल बिना बात के बुझ जाएंगे। तो बस इसी से बचने के लिए मैंने पहले स्टार्ट कर दी थी गाड़ी और अंदर कर दिया था एसी ऑन, ताकि जब हम जाएं तो ठंडा ठंडा कूल कूल, वरना भाई गरम गरम सीटें आए हाय हालत ख़राब हो जाती है। तो भाई ये एक्सवी का फीचर बहुत बेस्ट है, महंगी गाड़ी में आता था बट जब से इसमें दिया ना भाई मैं पूरा यूज़ ले रहा हूँ गर्मियों में तो, और आई एम श्योर नॉर्थ इंडियन भी ले रहे होंगे सारे। तो जी यहाँ से हमने डेस्टिनेशन डाल दिया अपने घर तक का, और यहाँ से मोहाली का डिस्टेंस है 252 किलोमीटर, जिसको लगेंगे लगभग 5 घंटे के करीब अगर हम छोटा सा एक ब्रेक भी लेते हैं, सुसु ब्रेक भी लेते हैं बीच में चाहे। यहाँ पर इसने बता दिया स्पीड कैमरा आने वाला, और वो रहा स्पीड कैमरा ऊपर, बच गए भाई बच गए, चलान बच गया। तो फाइनली हम पहुंच गए जलंधर और यहाँ रुके हैं थोड़ा सा खाने पीने और सुसु ब्रेक, और अपन उस जगह रुके जहां पर बहुत ज्यादा टाइम ना लगे, मैकडॉनल्ड्स इसलिए बेस्ट है। तो यहाँ मैकडॉनल्ड्स में जाएंगे थोड़ा बहुत फटाफट खा के और आगे निकलेंगे, और यहाँ से चंडीगढ़ अपना रहेगा 120 किलोमीटर। सो यहाँ पर ये बहुत अल्टीमेट जगह बनी हुई है, यहाँ पर मैकडॉनल्ड्स, प्यूमा, KFC, हल्दीराम्स, ये वो काफी सारी ब्रांड्स हैं। तो फाइनली वी आर बैक होम और हम पहुंच गए हैं पूरे 8 o'clock घर। तो सफर बहुत अच्छा रहा यार, क्योंकि रोड्स वर अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया रोड्स है चंडीगढ़ से लेकर पूरा जालंधर, अमृतसर, बटाला, ये मतलब सारा बेल्ट बहुत अच्छी है, तो किसी तरह की बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं हुई। और आई होप आपको ये सारी सीरीज अच्छी लगी हो, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा सारी ये चीज बताने की, अगर आप भी करतारपुर साहिब जाना चाहते हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, टिप्स एंड ट्रिक्स, यू नो टिप्स एंड ट्रिक्स, तो कैसे फॉर्म सबमिट कराने नहीं कराने, कहां से पैसे आपको करेंसी जो है एक्सचेंज करवानी है, कहां से नहीं करानी, तो सारी चीजें आपको मैं कवर करूंगा। अगर आप जाना चाहते हो जरूर मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना। और बाकी इन शॉर्ट मैं अगर आज की ट्रिप का एक्सपीरियंस शेयर करूं आपके साथ, तो यार मतलब ना बहुत ही अलग टाइप का एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो हमने बॉर्डर पे एक्सपीरियंस की थी चीज, कि वो जोश वाली चीज, आज क्या था सब कुछ काम था, मतलब इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी, अच्छी वाइब थी वहां पर। और सबसे अच्छी बात है यार कि वहाँ पाकिस्तानी, जिनको हम मतलब एक हेट की नजर से देखते हैं, वो भी साथ में है, ठीक है। और सच्चाई आपको मैं बताऊं यार, वहाँ के लोग भी कोऑपरेटिव हैं, ऐसा नहीं है कि यार वो सिर्फ हेट ही करते हैं इंडियन से या इंडियंस उनको हेट करते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। हम भाईचारे वाली बात ही मैंने वीडियोस में भी दिखाया, मैं सबसे अच्छे से बात की, सब बहुत बहुत ही प्यार से तहजीब से बात करते हैं, तो यार मैं ऐसा कुछ नफरत वाली चीज बिल्कुल नहीं। तो आज मुझे ये चीज दिखी है कि यार ये सिर्फ सारी चीजें पॉलिटिकल लेवल पे हैं, नीचे जो लोग हैं वो सारे इतने बुरे भी नहीं है। और बाकी यार बुरे लोग अच्छे लोग हर कम्युनिटी हर रिलीजन में होते ही हैं, तो कुछ लोगों की वजह से हम सारी कम्युनिटी या रिलीजन को बुरा नहीं बोल सकते। तो इसलिए मैं तो अपना जेन्युइन वर्डिक्ट दूंगा, मुझे बहुत मजा आया और वहां के लोगों से मिलके भी बहुत मजा आया, और आंखों पे तो यार जबरदस्त तरीके से नींद भरी पड़ी है, क्योंकि 2 दिन से प्रॉपर सोने को ही नहीं मिला, अब तो बस सोएंगे भाई, एडिटिंग वेडिंग के काम कल ही करेंगे। सो बाकी आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो डू गिव इट लाइक, और चैनल पे न्यू तो डू सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद और वंदे मातरम।